हिसार में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहरवासियों ने अपने स्टेज पर अपनी प्रतिभाएं दिखाई। वहीं राहगीरी में युवाओं द्वारा नृत्य कलाओं द्वारा सबका मन मोह लिया गया। छात्र छात्राओं और आमजन ने रंगारंग प्रस्तुतियों का जमकर लुफ्त उठाया। वहीं राहगीरी में जल बचाओ और पर्यावरण बचाओ का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इसके अलावा दुर्गा शक्ति टीम ने आमजन को दुर्गा ऐप के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से शहर वासियों का जमकर मनोरंजन किया और कार्यक्रम में समा बंधा दिया। कार्यक्रम के दौरान आमजन को जल बचाने की शपथ भी दिलाई गई। राहगीरी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए DSP अशोक कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर करवाया जा रहा है। राहगीरी एक ऐसा खुला माध्यम है जिसके द्वारा आम आदमी अपनी प्रतिभा को देख सकता है। कार्यक्रम में आम जन को पर्यावरण बचाओ और जल बचाओ का संदेश दिया गया। वहीं जिला पुलिस प्रवक्ता हरीश भारद्वाज ने बताया कि महिलाएं भीड़ में अपने आप को किस तरह से सुरक्षित करें, इस बारे में दुर्गा शक्ति टीम की तरफ से महिला को जानकारी भी दी गई। वहीं राहगीरी में पहुंचे आमजन काफी जोश में नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय राहगीरी में आने से शरीर और मन तनोताजा रहता है, एक नए जोश के साथ दिन की शुरुआत। राहगीरी में जब से राहगीरी स्टार्ट हुई है तभी से हम राहगीरी में आ रहे हैं और उसके हम राहगीरी के मेंबर भी हैं। तो राहगीरी में ये है कि एक इसको एक संडे और लोग जो सुस्ती के रूप में मानते हैं तो इसको एक फंडे के रूप में मनाया गया ताकि लोग सुस्ती में ना रहे और एक एनर्जेटिक रूप में रहे सुबह से, और एक संडे उनका एक उत्साह भरा भी था, एक मस्ती भरा संडे उनका सुबह से स्टार्ट हो उनका। हरियाणा सरकार की जो नीति है राहगीरी है, इसका एक उद्देश्य है कि जो आम जनमानस है उसको स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसका दिमाग स्वस्थ होगा, विचार स्वस्थ होंगे, अच्छे विचार होंगे उसके। जो आदमी बीमार होगा उसके विचार भी अच्छे नहीं सकते और वो देश की सेवा और सुरक्षा भी नहीं कर सकता किसी भी मत। इसलिए सरकार की जो नीति है कि राहगीरी सुबह हो जिसमें आम आदमी, आम जनमानस आदमी उसमें अपनी भागीदारी दे, उसके अंदर जो टैलेंट, जो प्रतिभा उसके अंदर जो छुपी हुई है और जो कभी उसको अपने किसी भी कारण से प्रस्तुत नहीं कर पाया कहीं भी, वो इस मंच पर आके अपनी प्रस्तुति दे और अपने अंदर के जो कलाकार है, एक अंदर का जो एक अच्छा इंसान है वो अपना बाहर लेके आए और अपने अच्छे विचारों को भी बाहर लेके आए तो कि आम आदमी उसको फॉलो कर सके। आज हमारी दुर्गा शक्ति टीम इंस्पेक्टर सरोज मैडम ने 12,000 लड़कियों और महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में जैसे जागरूक किया है, वो एक बहुत सराहनीय और बहुत बेहतर कार्य है हिसार पुलिस के लिए, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति भी पेश की और कैसे डाउनलोड किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शिवचरण IPS ने ऐसा उन्होंने निर्देश दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सुनिश्चितता तय की जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।